थाना निजामाबाद पुलिस ने चोरी गए सामान के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 20 जनवरी 2024 को वादी शमशाद पुत्र स्वर्गीय अबुशाद निवासी सहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी दानिश पुत्र स्वर्गीय तौफीक साकिन सहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के गुमटी की दुकान में साइड की खिड़की तोड़कर रखे सामान को चोरी कर लिया गया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 34/2024 धारा 380 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त दानिश उपरोक्त को आज दिनांक 23/1/2024 को सहरिया पुल के पास से समय करीब 11:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया और बरामदगी के आधार पर धारा 411 भारतीय दंड विधान की बढ़ोतरी की गई। आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को उप निरीक्षक कमला प्रसाद मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दानिश पुत्र स्वर्गीय तौफीक साकिन सहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को चोरी गए सामान के साथ सहरिया पुल से समय करीब 11:50 पर हिरासत में लिया गया। चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भारतीय दंड विधान की बढ़ोतरी की गई और अभियुक्त दानिश पुत्र तौफीक उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली टीम में उप निरीक्षक कमला प्रसाद मैं हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। रानीसराय पुलिस ने लड़की को अगवा करने के आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। दिनांक 17 जनवरी 2024 को वादिनी मुकदमा थाना रानीसराय आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी रामावध यादव पुत्र नंदलाल यादव निवासी काजी भीटी थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की लड़की को दिनांक 16 जनवरी 2024 को समय लगभग 7 बहला फुसला कर भगा ले गया है। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 19/2024 धारा 363 366 भारतीय दंड विधान बनाम रामावध यादव पुत्र नंदलाल निवासी काजी भीटी थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत करके अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। थाना जीएनपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि मैं रिश्तेदार के घर गई हुई थी और घर पर मेरी पुत्री अकेली थी, जिसके साथ अभियुक्त दीपक साहनी पुत्र भगवती साहनी निवासी मछली शहर अजमतगढ़ थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ ने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 35/2024 धारा 452 323 504 308 376 भारतीय दंड विधान और 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम दीपक साहनी पुत्र भगवती निवासी मछली शहर अजमतगढ़ थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना थाना अध्यक्ष विवेक कुमार पांडे द्वारा संपादित की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को थाना अध्यक्ष विवेक कुमार पांडे मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दीपक साहनी निवासी मछली शहर अजमतगढ़ थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ को गोगा साव तिराहा से समय करीब 11:45 पर गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। थाना तरमा पुलिस ने चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चोरी गए आभूषण के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 18/12/2023 को वादी मुकदमा विजय बहादुर सिंह पुत्र राम लगन सिंह निवासी सराय त्रिलोचन थाना तरमा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि रात करीब 2 वादी के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने जेवर और रुपया चुरा लिया। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 351/2023 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान अज्ञात चोरों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी उप निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा प्रारंभ की गई। इसी क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2024 को उप निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल जेवर जिस दुकान पर बेचा गया है वो दुकानदार बलवंत वर्मा उर्फ राजू सेठ पुत्र बद्री वर्मा निवासी सराय त्रिलोचन थाना तरमा जनपद आजमगढ़ अपने दुकान बोंगरिया बाजार सराय त्रिलोचन पर मौजूद है। सूचना पर उप निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह मैं हमराह बलवंत वर्मा से पूछताछ में उन्होंने बताया कि साहब एक माला सोने की पुरानी इस्तेमाल 2 सोने की 2 सोने की 1 का टप और 1 चांदी की पायल इतना सामान पुराना सिद्धार्थ उर्फ सानू सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह उर्फ बबलू
निवासी सराय त्रिलोचन थाना तरवा जनपद आजमगढ़ जो हमें पहले से अच्छी तरह जानते और पहचानते थे, सब माल गला दिया गया है। एक हार से टीली धातु जो सोने का नहीं था उसी को मैंने नहीं गला पाया, हमारे पास केवल वही हार सेट है। मौके पर उप निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह, मैं हमरा के मदद से अभियुक्त बलवंत वर्मा उर्फ राजू सेठ पुत्र बद्री वर्मा निवासी बोंगरिया बाजार सराय त्रिलोचन थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को समय करीब 1:25 पर बोंगरिया बाजार सराय त्रिलोचन से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी का माल एक अदद हार सेट पीली धातु जो सोने का पानी चढ़ा है बरामद किया गया। जहानागंज पुलिस ने थाना जहानागंज क्षेत्र में घटित घटना में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को वादी मुकदमा रंजीत वर्मा पुत्र श्री घनश्याम वर्मा निवासी बराहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ आदि निवासी गण कस्बा जहानागंज थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर शोभा यात्रा के दौरान जहानागंज क्षेत्र में घटित घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 29/24 धारा 147 148 149 153 ए 188 341 295 ए 296 504 506 भारतीय दंड विधान 7 CLA एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक हृदयानंद पाठक को सुपुर्द की गई। इसी क्रम में दिनांक 23/1/2024 को हृदयानंद पाठक में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में प्रकाश में आया अभियुक्त सगीर अहमद पुत्र जहीर अहमद उम्र 45 वर्ष निवासी बराहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ मोहम्मद जाहिद पुत्र हाफिज इश्तियाक उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बराहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज शाहनवाज पुत्र नसीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी बराहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को कस्बा जहानागंज से समय करीब 1:55 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक बांस का डंडा 2 लोहे की राड छड़ बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया।